अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बुल्स एंड बेयर्स। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा हसीब। डेटेड 3rd of October, थर्सडे आफ्टरनून, इट मींस मार्केट का 4th डे ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट ट्रेंड आज ओपनिंग से काफी पॉजिटिव जेस्चर की तरफ हमने देखा कि मूव ऑन होते हुए दिखाई दिया। 388 पॉइंट के गेंस के साथ आज की मार्केट ने काफी हद तक स्ट्रांगली फंडामेंटली मार्केट वर्कआउट करते हुए नजर आई। जो ऑप्टिमिज्म कल एनालिस्ट का नजर आ रहा था, आज मार्केट में सेम एज सिचुएशन आज मार्केट में वर्कआउट करते हुए दिखाई दिया और क्लोजर आ 32,752 पॉइंट। इट मींस के मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। 752 का लेवल यानी 32,500 का बैरियर मार्केट ने क्रॉस किया और इट मींस के साइकोलॉजिकल बैरियर जब क्रॉस हुआ है, अगर उसे सस्टेन करती है मार्केट, तो वो फाइनली एक फंडामेंटली मार्केट के अंदर पॉजिटिव और हेल्दी साइन नजर आएगा। 32,833 पे मार्केट का इंट्राडे हाई रहा। इट मींस के मार्केट के अंदर फाइनली एक पोटेंशियल वर्कआउट करते हुए वो काइनेटिक एनर्जी नजर आई है। इसके साथ साथ जो न्यूज है मार्केट के अंदर, गवादर पोर्ट जो है वो फाइनली ऑफिशियली ओपन कर दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है मार्केट के लिए और खासकर जो सेंटिमेंट मार्केट में बिल्डअप होंगे, ट्रेडिंग जो है वो काफी हद तक जो है इससे एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई देगी और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट जो है वो हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गवादर पोर्ट जो काफी मच अवेटेड था वो फाइनली वर्कआउट होते हुए नजर आया। इट मीन्स इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन। और इसके साथ साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई है बिजनेस कम्युनिटी से और खासकर इकोनॉमी के ऊपर जो उन्होंने अपनी एक काफी हद तक एक ग्रीवेंसेस जाहिर किए और इसके साथ साथ उसको ये भी कहा कि कैसे इसको मोटिवेट किया जाए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा हेल्दी साइन, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आया, खासकर इन्वेस्टर्स के लिए जो कि मार्केट के अंदर रिलक्टेंट नजर आ रहे थे, पॉजिटिव नोट पे नजर आ रहा था, वो नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिव नोट पे दिखाई दिया। ओवरऑल अगर हम बात करें कल की, तो कल हमारे प्रोग्राम में जो एनालिस्ट थे मौजूद, जो ओवरकॉल हमारे साथ मौजूद थे फरीद आलम साहब, उनका ये कहना था कि मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म मौजूद है और मार्केट जो है वो पॉजिटिव नोट पे दिखाई देगी और काफी हद तक वो ऑप्टिमिस्टिक थे और उन्होंने ये बात जो है वो कहा कि ये मार्केट जो है इस वीक बहुत फंडामेंटली पॉजिटिव नजर आएगी। आज के मार्केट में हमने देखा वो काफी हद तक जो है वो फाइनली हमें ओवरऑल नजर आया। डेली हाईलाइट्स देखे जाते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 32,363.35 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 32,833.54, लोअर वॉज 32,279.86 का एंड फाइनली क्लोज रहा 32,752.25 का, यानी 388.90 के पॉजिटिव चेंज के साथ। वॉल्यूम लीडर्स ने करंटली मार्केट में 324.22 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं, कल के मुकाबले में हेल्दी इजाफा नजर आता है 142.87 मिलियन शेयर का। वैल्यू रही 9.10 बिलियन रुपीज, इट्स अ हेल्दी साइन, काफी अर्से बाद 9.10 बिलियन रुपीज की वैल्यू नजर आना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। टॉप सेक्टर्स में टॉप सिंबल्स में के इलेक्ट्रिक स्प्लिट्स को लीड कर रहे हैं 0.34 के इजाफे के साथ, 3.75 पे क्लोजर, 35.77 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड सेकंड स्कॉर पे 0.72 का इजाफा देखा गया, 9.50 पे क्लोजर, 22.74 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एंड लास्टली डीएसएल 1 रुपी का अपर लॉक, 3.51 पे क्लोजर रहा, 1.87 का कारोबार रहा। ये था टॉप सेक्टर और मार्केट करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं वही इकोनॉमी ऑन ट्रैक नजर आती है जिसका ये वादा किया गया था या जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट आएगी तो काफी चीजें जो है वो ऑनलाइन नजर आएंगी। अब हम देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर जो तब्दीलियां की गई, चाहे वो एफबीआर के हवाले से की गई हो या दूसरी चेंजेस एसईसीपी में की गई हो, ये तमाम चीजें अब फाइनली नजर आ रही है कि पॉजिटिव नोट पे अब आते हुए जो ऑन ट्रैक और हम कहेंगे अलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ डिप्रेशन नजर आता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अच्छा अभी हमने जो स्लाइड्स देखी है उसके अंदर हमने दोस्त स्टील देखा है, काफी अर्से बाद स्टील सेक्टर को लाइमलाइट में आना, यानी सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर काफी हद तक जो ये साइक्लिकल स्क्रिप्ट्स हैं, तो इनमें भी जो है वो देखा गया है कि पॉजिटिव एक वॉल्यूम जनरेट होना, इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन, क्योंकि स्टील सेक्टर काफी हद तक हम देख रहे थे कि नेगेटिविटी की तरफ यानी डिप्रेशन की तरफ दिखाई दे रहा था, आज काफी अर्से बाद इसका लाइमलाइट आना या वॉल्यूम जनरेट होना ये इंडिकेट कर रहा है या ये इंडिकेशन इस बात की दे रहा है कि अब इसके अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नजर आएंगे। हमारे साथ ओवरकॉल हारून अस्करी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम।
सर, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव नोट पे आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट होते हुए दिखाई दिए और फाइनली वीक के चौथे दिन इतनी पॉजिटिव जो देख रहे हैं हम, नेगेटिविटी के बरक्स पॉजिटिविटी नजर आई है, क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्निकल मैरिट्स के ऊपर आज की मार्केट बड़ी अहम है और उसकी वजह यह है कि इट हैज ब्रोकन अप रेजिस्टेंस विद अ हाई वॉल्यूम दैट शोज के मार्केट के अंडरलाइन सेंटिमेंट जो है वो काफी बेहतर है एंड इस वजह से उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्वेस्टर का परसेप्शन ये डिवेलप हो रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आखिरी सीबिल का जो ऑप्शन हुआ था उसके अंदर जो इंडिकेशन आई थी वो यही आई थी कि आइंदा आने वाली मॉनिटरी पॉलिसी की जो होगी वो उसमें ऐलान किया जाएगा कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऐलान करेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो शायद कम हो जाए। उसकी कड़ी उम्मीद है इन्वेस्टर्स को कि आइंदा ऐलान जो होगा वो इंटरेस्ट रेट के कम होने का होगा। बुनियादी वजह मार्केट के स्ट्रेंथ की ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन जो हैं वो तमाम फौज के साथ मिलके और हुकूमत के साथ मिलके मुश्तरका कोशिशों से अपने मसाइल को हल करने की तरफ गए हैं और ये भी पॉजिटिव बात है कि चीफ ने, हमारे आर्मी के चीफ ने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान की बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए जो जरूरी थी वो मौजूद है और पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी से ज्यादा बेहतर हो गई है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मीटिंग होना बिजनेस कम्युनिटी के साथ और ये कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा हमारे इन्वेस्टर्स में? देखिए, ये काफी इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे ये तासर मिल रहा है इन्वेस्टर को कि पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में तमाम फोर्सेस जो हैं, तमाम इदारे जो हैं वो एक पेज पर हैं, तो इस वजह से इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की उम्मीद है और आपने देखा आज मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिव के साथ वेलकम किया है। सर, इसके साथ साथ गवादर पोर्ट को भी आज ऑफिशियली ओपन कर दिया गया है, ये कितना ज्यादा अब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग के हवाले से साबित होगा और आने वाले दिनों में इसके क्या गवादर की, जो पोजीशन है उसका ताल्लुक हमारी स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट शायद नहीं है इतना, इकोनॉमी से है, लेकिन सेंटीमेंट के तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बेहतरी नजर आती है और ये कि गवादर पोर्ट काफी अरसे से डेवलप हो रहा है और अगर आज उसमें ये बात तय हुई है कि चाइना के चंद अशिया सिर्फ और सिर्फ गवादर पोर्ट में ही जाएंगी तो उस वजह से वहां पर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है या जो एक्टिविटी है पोर्ट एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, तो उससे भी जाहिर है कि एक अच्छा तासर मिलता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वहां पर भी जो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस हैं वो क्या हैं वो मुझे नहीं मालूम कि वो कितने बेनिफिशियल हैं उन लोगों के लिए जो ऑफिशियली आएंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इकोनॉमी के ऊपर वो कितना ज्यादा पॉजिटिव साइन देगा। इसके साथ साथ लेट्स कम टू द स्टॉक मार्केट, कितना ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट अब आप बरकरार होते हुए देख रहे हैं? कल वीक का लास्ट डे है, इस हफ्ते को कैसे? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज की मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लेवल जब क्रॉस किया है ऑन अ हाई टर्नओवर, इसका मकसद ये है कि जो रेजिस्टेंस है अब ये सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये अब सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो फिलहाल इस 32,000 जो भी वो नंबर है मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं है उसके नीचे अब 32,752 है आज का वो, सर 32,800 के करीब अब ये सपोर्ट एरिया कहलाएगा और यहाँ पे मार्केट जो सपोर्ट करेगी। 32,500 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था जो आज मार्केट ने अचीव किया है? वो भी इम्पोर्टेंट है और असल एरिया जो है वो 32,800 के लगभग है, अगर उसने उसको हाई वॉल्यूम पे क्रॉस किया है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। सर, अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप देख रहे हैं काफी ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देती है और अगर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए तो हमारे इन्वेस्टर्स कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं? मैं समझता हूँ बैंकिंग सेक्टर इज एट टॉप, ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन,
तो लेकिन फिर भी ऑयल के इन फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं। उनकी अगर आप देखें जीडीसी और पीपीएल जो है वो उनकी अगर आप पी रेशो देखें तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। और ऑटो सेक्टर पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत वीक है, हमारे यहाँ भी है, हिंदुस्तान में भी है, बहुत जगहों पर भी है, तो ऑटो सेक्टर स्ट्रगलिंग कर रहा है। लेकिन ये कि फर्टिलाइजर सेक्टर जो है इसमें बेहतरी है, क्योंकि आपने देखा अभी कीमतें जो हैं वो उसकी बेहतर होने वाली हैं, हो गई हैं। सीमेंट की बोरी की कीमत में भी इजाफा हुआ है, सीमेंट के डिस्पैचेस आर स्लाइटली बेटर दिस मंथ, एक्सपोर्ट 12% बढ़ चुकी है, तो सीमेंट में भी जो है वो आप एक्सपोजर ले सकते हैं। आपने देखा मेपल लीफ सीमेंट पिछले दिनों काफी उसने बेहतर परफॉर्म किया, इसी तरह डीजी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सब चीजें इस बात की अलामत है कि हमने जो है ना चीजें अब आगे बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सर इसके साथ साथ अब आप क्या देख रहे हैं, मार्केट किस चीज के लिए आइडियल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल नजर आती है या फिर अभी वो जो डे ट्रेडर है जो एक शॉर्ट बेनिफिट लेता है और चला जाता है मार्केट से, उनके लिए आइडियल है? नहीं, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को ही देखना चाहिए आम आदमी को, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपर्ट का काम है, एक्सपर्ट्स का काम है। अनलेस यू रियली अंडरस्टैंड द मार्केट डायनामिक्स एक्सट्रीमली वेल, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच हारून अख्तरी साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप फॉर्मर एमडी हैं पीएसएफ से, काफी डिटेल एनालिसिस दिया मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और ओवरऑल हम देख रहे हैं जो इकोनॉमी के डिप्स आ रहे थे या मार्केट के अंदर जो डिप्स उसको देख रहे थे कि वो उन्हीं की तरह जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तमाम चीजें काफी हद तक अफेक्ट करते हुए और इम्पैक्ट करते हुए मार्केट को दिखाई दे रही थी। कमोडिटीज देखते चलते हैं, कमोडिटीज ऑफ प्राइस से क्या लेटेस्ट अपडेट है। गोल्ड की पर्चला प्राइस 88,222 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 75,716 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउट $1,503, ऑयल डब्ल्यूटीआई पर बैरल $52.64, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $57.69। करेंसीज में सबसे पहले यूएस डॉलर बाइंग रही 156.20, सेलिंग वॉज 156.70, यूके पाउंड बाइंग रही 192 रुपीज, सेलिंग वॉज 195, यूरो बाइंग एट 171 रुपीज, सेलिंग वॉज 173.50, सऊदी रियाल बाइंग एट 41.45, सेलिंग वॉज 41.85, यूएई दिरहम बाइंग एट 42.45, सेलिंग वॉज 42.85, जापानी येन बाइंग एट 1.42, सेलिंग वॉज 1.45, चाइनीज यॉन बाइंग एट 21.85, सेलिंग वॉज 22 रुपीज, एंड लास्टली कोई दिनार बाइंग रही 513 रुपीज, सेलिंग वॉज 515.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। गोल्ड प्राइस हम देख रहे हैं पॉज नजर आ रहा है 87,000 के अराउंड ट्रेड करता हुआ इस पूरे वीक के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मार्केट के ऊपर आए हम तो काफी हद तक फंडामेंटली और वॉल्यूम्स वाइज आज बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि मार्केट के अंदर 9 बिलियन रुपीज की वैल्यू नजर आई है। इट मीन्स के काफी काम हुआ है मार्केट के अंदर और आज के मार्केट के जो मोमेंटम है इसी मोमेंटम पे अगर मार्केट रोटेट करते हुए नजर आए और इसी के अराउंड जो है वो रोटेट करे तो इट मींस के मार्केट के अंदर दोबारा वो लेवल्स आ सकते हैं जिसका इन्वेस्टर्स काफी अच्छे से वेट कर रहे हैं, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस है जिसका वेट किया जाता है। डे ट्रेडर भी वेट करता है, डे ट्रेडर भी मार्केट का चार्म होता है, लोग अवॉइड करने का बोलते हैं, लेकिन डे ट्रेडर जब मार्केट से वीकेंड होता है या रिलक्टेंट होता है तो उसकी कमी ज्यादा महसूस होती है। डे ट्रेडर भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी मार्केट में स्ट्रैटेजी